मेरे पास कुछ वक्त है और मैं बर्बाद करना चाहता हूं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वक्त बर्बाद करना चाहते हो ना, तो फिर भी घूम के तू देखकर प्लीज बर्बाद ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये वक्त आपका जिंदगी भर आपको कोसता रहेगा कि मुझे बर्बाद ही करना था तो आखिर ऐसे क्यों बर्बाद किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक मूवी का रिव्यू लेकर जिसका नाम है घूम केतु, जिसमें काम कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द हाईलाइट ऑफ घूम केतु। दोस्तों जहां पर घूम केतु में जब दिख रहे हैं अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो न जाने कितने लोगों के फेवरेट एक्टर बन चुके हैं। दोस्तों जब फेवरेट एक्टर दिखता है तो उम्मीदें बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है ये घूम केतु। घूम केतु जो एक स्टोरी है, वो कहानी शुरू होती है एक लड़के का जो ख्वाब पूरा करना चाहता है, और वो लड़के का रोल निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो बनना चाहते हैं एक राइटर, पर पिता है उनके खिलाफ और जो उनकी बुआ है वो उनको सपोर्ट कर रही है कि नहीं तू घर से भाग जा मुंबई शहर और सपनों के शहर में, द सिटी ऑफ ड्रीम्स में तू अपने सपने पूरे कर। एक कोशिश करने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने घर से भाग जाते हैं और उनके पिता रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरे बेटे को ढूंढो। हालांकि पॉलिटिकल पावर रहता है उनके पिता के पास, तो अब ये केस इंपॉर्टेंट बन जाता है पुलिस के लिए। एक तरफ पुलिस ढूंढती रहती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, जो कहीं नजर नहीं आता कि कैसे ढूंढ रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी कोशिश करते रहते हैं राइटर बनने की, जिसमें वो तरह तरह के जो टाइप्स ऑफ स्टोरीज होती है, हॉरर, साइफाई, रोमांटिक, ये सारी पूरी कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं लिखने की, पर अंत तक उन्हें कामयाबी नहीं मिलती और वो वापस लौट कर अपने गाँव चले आते हैं। हालांकि एक कॉमन जो होता है कि पिता बेटे का दुश्मन दिखाया जाता है, इसमें भी वही दिखाया है और अंत होते होते इस मूवी का दिखाया जाता है कि नहीं, पिता एक दयालु इंसान भी है, सिर्फ बाहर से कठोर दिखता है, और वापस नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके पिता में प्रेम उभर आता है और लोग उसे देखकर आंखों से सबके आंसू निकलने लगता है। दोस्तों ये घूम केतु जो इसे नाम है, वैसे ही लोगों को पूरा घुमाने की कोशिश किया है। हालांकि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है कि जो बननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हालांकि अनुराग कश्यप इज अ प्रोड्यूसर, तो भैया समझ सकते हो कि एक राइटर को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए ये मूवी बनाई गई है। अनुराग कश्यप पैसा बचाने के लिए खुद एक पुलिस का किरदार निभाते हैं और साथ ही साथ जो उनका रेपो है मार्केट में सभी एक्टर्स के साथ, उसका फायदा उठाकर वो रणवीर सिंह, सोनाक्षी, अमिताभ बच्चन और न जाने कितने लोगों को वो अप्रोच करते हैं कि भाई एक कैमियो के लिए आ जाना, एक बार शकल दिखा देना बस, ताकि तुमको कम से कम देखने के लिए लोग देख ले वे OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली घूम केतु को। पर दोस्तों इन सारे बड़े चेहरों के कैमियो ने भी इस स्टोरी को स्ट्रांग नहीं बना पाया। हालांकि दोस्तों ये है कि हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए अंत में कामयाबी का एक हल्का सा इशारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखता है। पर दोस्तों स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा वीक है, आप इसे देखेंगे तो आप सिर्फ वक्त की बर्बादी करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये रिव्यू देखने के बाद आपको लगता है कि मैंने आपका वक्त बचाया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों घंटा जरूर बजाए, क्योंकि जब जब आप घंटा बजा के रखोगे तब तब अगर मैं आऊंगा किसी मूवी का घंटा बजाने, तो आपके मोबाइल में जरूर एक घंटा बजेगा और आप आकर फिर से कौन सी मूवी या वेब सीरीज का बज रहा है घंटा आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए मूवी के रिव्यू या वेब सीरीज के नए रिव्यू में। कोई भी कमेंट या कोई भी शिकायत या कोई भी फीडबैक हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे दे सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।